the ladder of life has been strung. You may think of sweet as the ladder. सच कहूँ तो ऐसी कोई फीलिंग नहीं आ रही. रिलैक्स, ब्लेस, बल्कि टेंशन हो रही है. आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. ऐसा कह रहे हैं आपको. एफसी पेस कर लेती हूँ. आखिर को पाकिस्तान के बेस्ट डिग्री और आधे से ज्यादा बैच तो पार्ट वन दे ही रहा है. मैं भी दे देती हूँ. लेकिन एफसीपीएस कौन सा, सादा या मसाले वाला? ओहो, मतलब मेडिसिन करूँ या सर्जरी? मेडिसिन नहीं नहीं, मेडिसिन इज नॉट माय टाइप. फिर सर्जन बन जाती हूँ. यस, कार्डियक सर्जन ठीक रहेगा. किसी को बताने का भी एक अलग ही शिशका होगा. हेलो, दिस इज डॉक्टर माहिन द कार्डियक सर्जन. ये आधे खानदान वाले तो चाहते हैं कि गायनी कर लूँ और फिर इनके बच्चे फ्री. नहीं नहीं नहीं, अ बिग नो टू गायनी. साइकियाट्रिस्ट बन जाते हैं. यार, आधी दुनिया तो साइकियाट्रिस्ट को डॉक्टर ही नहीं मानती. पूरी जिंदगी लोगों को मनाने में लग जाएगी कि मैं भी एक पागल मतलब कि मैं भी पागलों की डॉक्टर हूँ. नहीं नहीं नहीं, साइकियाट्रिस्ट नहीं बन सकती मैं. छोड़ो एफसीबीएस, यूएसए कर लेती हूँ. बस कुछ साल की मेहनत है और यूएसए में सेटल. लेकिन नजमा ने तो पैदा होते ही एमएलई दे दिया था. बस एमबीबीएस की दे रही थी. अब तो यूएसए में सेट हो चुकी होगी. मैंने अगर अभी तैयारी करना शुरू की तो स्टेप वन, स्टेप टू, थ्री, हाय, मैं तो भूढ़ी हो जाऊंगी इस एमएलई के चक्कर में. यूके भी अच्छा ऑप्शन है. प्लैट दे देती हूँ, सुना है बहुत आसान. लेकिन इसके लिए तो पहले आइल्स देना पड़ेगा और वो भी इतने ज़्यादा बैंड्स. क्या ये लोग आइल्स उर्दू में नहीं ले सकते? लेक्चरर बन जाते हैं, फिर एमफिल, पीएचडी, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाओ. लेकिन लोग क्या कहेंगे? अगर प्रोफेसर ही बनना था तो फिर डॉक्टर क्यों की भाई? फलाने पार्ट वन दे दिया और वो तो रेजिडेंट भी बन गई. बैच के 200 लोग तो प्लैब देकर यूके में सेट हो गए और कुछ लोग तो यूएसए से ट्रेनिंग करके भी वापस आ गए. नहीं, कहना ये था कि आप स्पेशल आप हैं. आप जैसा कोई नहीं. आपका अपना टाइम जोन है. अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दीजिए. अपने आप को खुद से कंपेयर कीजिए. आपका हर नया दिन आपके पिछले दिन से बेहतर हो. खुश रहिए, सेहतमंद रहिए. फियान अल्लाह.